गुड इवनिंग क्लास। एज रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स विथ योर नेम, लोकेशन एंड स्टैंडर्ड। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन। यस, टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। यस, दिस इज द क्लास ऑफ क्लास 5, क्लास 6 एंड क्लास 7, राइट? सो वी विल टीच यू अराउंड 15 मिनट ईच क्लास, राइट? सो बेसिकली इन क्लास 5 द टॉपिक इज, आई विल टीच यू टूडे फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 5 इज रिलेटेड टू नंबर, राइट? मीन्स ये क्लास 5 की जो चैप्टर है वो नंबर से रिलेटेड है, इन विच यू विल बी फैमिलियर। यस, यू विल बी फैमिलियर विद द शेप, एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू मेजर अ थिंग, राइट? सो दिस इज फॉर क्लास 5। तो ये कहानी जैसा ये आपके बुक में दिया गया है, दैट वी विल डिस्कस। फॉर द क्लास 6 वी विल डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम, राइट? इसमें भी हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें वी विल स्टडी अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, एटीसी एंड मेनी मोर थिंग लाइक मिलियन कैसे लिखते हैं, ट्रिलियन कैसे लिखते हैं, राइट? दिस थिंग वी विल डिस्कस फॉर द क्लास 6 क्लास। एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 इज इंटीजर, राइट? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 इज इंटीजर। सो ऑल थ्री चैप्टर्स आर रिलेटेड टू इच अदर। So I am going to start with the class 5, fifth. Yes. So when you see the NCERT textbook of the class 5, तो आपको एक ऐसा काफी अट्रैक्टिव बुक दिखेगा। दोज हु हैव नॉट बुक, दे कैन डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल एनसीईआरटी वेबसाइट। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी बुक है वो सारे बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल है, राइट? एनसीईआरटी की वेबसाइट पे यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनसीईआरटी वेबसाइट। ओके, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 5। ये क्लास 5 का पहला चैप्टर है। एज आई टोल्ड अर्लियर दैट आई विल टीच 15 मिनट फॉर क्लास 5, 15 मिनट फॉर क्लास 6 एंड 15 मिनट क्लास 7, एंड द रेस्ट 15 मिनट वी विल डिस्कस एज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, राइट? सो लेट अस गो ऑन लाइव बोर्ड। तो हम नंबर को समझने के लिए हम लोग फिशरमैन बनते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बोट, दिस इज बोट। ये क्या है? बोट। लेट मी ड्रॉ अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ बोट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर।
सो आई एम ड्रॉइंग अ बोट ओवर रेयर, मैं एक बोट बना रहा हूँ, राइट। सो ये आपको एक बोट जैसा दिख रहा है, रफली दिस लुक्स लाइक अ बोट। सो दिस लुक्स लाइक अ बोट, कैन एनीबडी टेल विच शेप इज दिस बोट, ये इस बोट कौन सी शेप में है? तो अगर मैथ में पढ़े होगे तो दिस इज लाइक ट्रेपेजियम, ये क्या है? दिस इज ट्रेपेजियम, यस यस। एवरी वन मार्क देयर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स सो डैट आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम ईच क्लास आर प्रेजेंट हेयर। राइट योर नेम, लोकेशन एंड क्लास इन द चैट बॉक्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेपेजियम। ओके, तो बोट को चलने के लिए हम इसके ऊपर में क्या करते हैं, एक ऐसा लगाते हैं जो कि विंड की डायरेक्शन अगर इधर है तो हमारी बोट किधर जाएगी, इस साइड, राइट। तो ऊपर में मैंने जो फिगर लगाया उसे हम क्या बोलेंगे, इस फिगर को विल कॉल्ड एज ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल, ट्राइंगल हम किसे कहते हैं, कुछ ऐसी जो शेप होती है जिसमें थ्री साइड्स होते हैं एंड थ्री वर्टेक्स, उसे हम बोलते हैं ट्राइंगल, राइट। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल। एंड ये जो मैंने बोट बनाया, यहाँ पे दो पैरेलल साइड, क्लास 5 के लोग फिलहाल पैरेलल क्या होती है वो नहीं समझेंगे, उसे समझाने के लिए जैसे मैं बोलता हूँ, ये रेल की ट्रैक है, राइट। रेल की ट्रैक है, तो रेल की ट्रैक की जो होती है उसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, आप कहीं भी चले जाओ। एंड व्हेन यू मेजर द दिस डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे ट्रैक, दैट विल बी सेम फॉर ईच मेजरमेंट। ओके, और इसे मैंने मिलाया तो रफली हमारा क्या बन गया, बोट बन गया, राइट। सो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, राइट। सो दिस फिगर इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। सो एज यू टोल्ड अर्लियर दैट टुडे वी विल लर्न एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, वी विल डिस्कस अबाउट सम शेप्स, मेजरमेंट एंड हाउ टू मेजर वेट। यस, सो अभी तक हमने शेप के बारे में पढ़ा, अब हम चलते हैं ये बोट को लेकर के हम चलते हैं सी में, राइट। सो ये फिशरमैन अपने साथ दो लोग को ले जाना चाहते हैं सी में फिश को कैच करने के लिए, राइट। एंड लेट अस सपोज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस बोट इज 100 kg, 150 kg। कोई जैसे आप लिफ्ट में चढ़ते होगे, लिफ्ट में तो वहां पे नोटिस बोर्ड जैसा लिख लिख वहां पे आप देखते होगे कि 8 पर्सन लिखा रहता है, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट। तो अगर उससे ज्यादा आदमी उस पे आ जाएंगे तो शायद वो डैमेज हो सकता है, राइट। तो सिमिलरली द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस बोट इज 150 kg, राइट। सो यस, तो ये बोट से कहाँ पे जा रहे हैं, बोट से सी में जा रहे हैं और इन्हें कुछ फिश कैच करनी है, राइट। सो सपोज द वेट ऑफ ए इज 50 kg एंड द वेट ऑफ बी इज 60 kg, राइट। दो लोग इस पे सी में जा रहे हैं फिश को कैच करने के लिए, ए का वेट 50 kg है एंड द वेट ऑफ बी इज 60 kg।
सो आप मुझे चैट बॉक्स में यह बताइए कि हाउ मच फेस दे कैन कैरी, हाउ मच फेस दे कैन कैरी। चूंकि सिंस द कैपेसिटी ऑफ दिस बोट इज 150 kg, देन प्लीज टेल हाउ मच फेस दे कैन कैरी बैक। हंड्रेड एंड 10 kg। आपने सभी लोग अटेंडेंस नहीं बनाए तो मुझे हरी ओके हर किरत ओके क्लास सिक्स वेरी गुड। आपने आंसर किया 110 ओके लेट अस सी। हाउ मच फीस दे कैन कैरी। तो यहाँ पे देर आर थ्री आंसर इन द चैट बॉक्स, ऑल आंसर आर 110 kg। लेट अस सी राइट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस बोट की वेट कितनी है, सॉरी बोट कैन कैरी 150 kg राइट, 40 kg है, कुछ अलग आंसर आया लेट अस सी। तो ए और बी का अगर हम वेट ऐड करें, इफ वी ऐड 50 kg प्लस 60 kg देन इट विल बी 110 kg राइट। मीन्स ये दो लोग जब इस बोट पे बैठे तो 110 kg तो ऑलरेडी ये यहाँ पे आ गया राइट, 110 kg इस बोट पे आ गया। और मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी इज 150 kg। सो 110 kg इन दोनों आदमी का वेट है, इन दोनों फिशरमैन का ओके। तो 110 में आप 40 ऐड करोगे तो इट विल बी 150 kg। सो दे कैन कैरी ओनली 40 kg ऑफ फिश, दे कैन कैरी ओनली 40 kg ऑफ फिश राइट। दे कैन कैली कैरी ओनली 40 kg ऑफ फिश बिकॉज द नेट कैपेसिटी ऑफ द बोट इज 150 kg एंड द वेट ऑफ द टू फिशरमैन ए एंड बी इज 110 kg ओके। सो ओनली 40 kg इज रिमेनिंग ओके। अगर ये 50 kg अगर फीस इस पे डाल दें ओके, इफ ये 50 kg ये डाल देंगे तो शायद ये बोट क्या होगा, ये सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी राइट, और इट मे डैमेज ओके। सो अभी हमने क्या देखा, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी लर्न एडिशन, वी लर्न एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्शन राइट। मीन्स यहाँ पे 150 माइनस 110 आप करोगे इट विल बी 40 kg, इट विल बी 40 kg राइट। सो लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। सो बिफोर गोइंग टू अनदर एग्जाम्पल लेट अस विजिट योर बुक। सो दिस फेस इज कॉल्ड एज शार्क। इफ यू विजिटेड द फिश मार्केट देन प्रोबेबली यू मे सी दिस टाइप ऑफ फिश राइट। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क राइट, इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इट इज अ बिग फिश। एक्चुअली जो सबसे बिगेस्ट फिश होती है यहाँ पे व्हेल शार्क को बताया गया है, जो कि शार्क, शार्क को हम व्हेल नहीं कहते हैं बिकॉज व्हेल जो फिश होती है दे ब्रेथ
टेक ब्रीथ फ्रॉम देयर नोज, राइट। सो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के पोर्शन पे आते हैं। अभी तक आपने अटेंडेंस अपने चैट बॉक्स में, यू हैव नॉट पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट हाउ। ओके 1 2 3 4, यस ओके ओके। एनी वन फ्रॉम क्लास 6 ओवर हेयर? यहाँ पे कोई क्लास 6 के हैं क्या? आंसर क्लास 7 के हैं। ओके श्रेयांसी क्लास 5 एंड हरकिरत क्लास 5, हरप्रीत क्लास 5। आई थिंक नो वन फ्रॉम क्लास 6। सो वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास। ओके देर इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ओके आई थिंक यू, ओके अभिनीत कौर। ओके ओके यस वेरी गुड। यस सो लेट अस कम टू दिस एग्जाम्पल। वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक शार्क की लंबाई 18 मीटर की हो सकती है, राइट? जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज। ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रेन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड गस व्हाट इज द वेटेड, राइट? सो आप मुझे बताओ कि द लेंथ ऑफ वन शार्क ऑफ वन शार्क, राइट? वन शार्क की लेंथ क्या होती है? मीन्स एक छोटा सा शार्क किसी फिशरमैन ने पकड़ा या देखा, उसकी लेंथ है 10 मीटर, राइट? 10 मीटर। और आपकी, या आप क्लास 5 में हो तो आपकी अभी हाइट मानते हैं कि योर हाइट इज 1 मीटर, राइट? तो ये एक बड़ी सी शार्क फिश है। ये एक बड़ी सी क्या है? शार्क फिश, राइट? ये उसकी फिंस है, राइट? दिस इज शार्क। इसकी लेंथ कितनी है? द लेंथ ऑफ दिस शार्क इज 10 मीटर, राइट? सो और आपकी लेंथ कितनी है? योर हाइट इज 1 मीटर, राइट? सो यहाँ पे आपके जैसे 10 बच्चे, मीन्स 1 मीटर 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ऐसे करके 10 स्टूडेंट का हाइट को जब हम कंबाइन करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन शार्क। मीन्स आप 1 मीटर के हो और आपके जैसे 10 बच्चे और आएंगे जिनका हाइट 1 मीटर होगा देन दे विल इक्वल टू 10 मीटर, राइट? या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ऐसे करके 10 टाइम्स लिखेंगे तो 1 को व्हेन वी ऐड 1 10 टाइम्स इट विल इक्वल टू 10 मीटर, राइट? सो इट इज राइट नाउ इट इज 6:21। ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ क्लास 6। सो फॉर क्लास 5 वी लर्न टुडे अबाउट एडिशन। वी सी सब्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।
Right. We see multiplication. हमने मल्टीप्लीकेशन देखा. वी लर्न अबाउट शेप. शेप कौन कौन सा देखा? ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम. वी लर्न अबाउट मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होती है? जैसे अगर आप ग्रोसरी के शॉप पे जाते हो और आपके पेरेंट्स बोलते हैं 1 kg पोटेटो लाने हैं. ओके okay. पोटेटो यू हैव टू POTATO यू हैव टू बाय 1 kg ऑफ पोटेटो. आपकी मम्मी बोली कि जाओ शॉप से 1 kg पोटेटो परचेस करके लाओ और आप शॉप पे गए और भूल गए कि मुझे कितना केजी परचेस करने के लिए कहा गया. तो आप सिर्फ शॉपकीपर को बोलोगे मुझे पोटेटो चाहिए पोटेटो चाहिए. ओके तो वो उन्हें कितना देना है? हाफ के जी, 1 kg, 2 kg? इट इज नॉट क्लियर. सो यू हैव टू से दैट आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटेटो. तो दिस इज वॉट? दिस इज मेजरमेंट. ओके मेजरमेंट. तो वो दुकान वाले अंकल क्या करेंगे? वो बैलेंस पे जो बैलेंस पे वो पोटेटो को डालेंगे. राइट. जब यहाँ पे 1 kg लिखेगा तो वो आपको कैरी बैग में पोटेटो दे देंगे. फिर यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया? मेजरमेंट किया मशीन की मदद से. राइट. सो दीज थिंग्स वी लर्न टूडे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दीज थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर क्लास 5. अभी हम क्लास 6 के टॉपिक पे चलते हैं और यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बुक का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ क्लास 6. ओके क्लास 5 के भी लोग टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा बिकॉज यू हैव टू रीड दिस चैप्टर आफ्टर 1 year. ओके And this chapter is related to numbers, knowing our number, right? So, many thousands years ago, people knew only a small number, right? बहुत साल पहले हमारे जो ancestors थे वो बहुत कम number को जानते थे, right? Gradually they learned how to handle large number, okay? So, इस टॉपिक में बेसिकली अभी हम पढ़ने वाले हैं नोइंग योर नंबर में. यस यहां पे हम वी विल अंडरस्टैंड कंपैरिजन. राइट. देन वी विल कंपैरिजन में क्या आ जाता है? Ascending order and descending order. Hope आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ा होगा. Ascending and descending. Right. These things we will discuss today. So, so the topic of class 6 is knowing the number. आपको नंबर के बारे में जानने हैं. राइट. नोइंग द नंबर्स. दिस इज द टॉपिक. यस. सो पहले के समय में जब ये नंबर नहीं था, जैसे अभी आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं डिजिट. राइट. दीज आर डिजिट.
डिजिट. व्हेन वी कंबाइन टू डिजिट लाइक इफ वी कंबाइन टू एंड फोर लाइक दिस देन इट विल बिकम नंबर. इट विल बिकम नंबर राइट. लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल. आप ए बी सी डी नर्सरी में याद किए होंगे. ए बी सी डी असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू बिगर एंड डिसेंडिंग मीन्स वेरी गुड. वी विल ऑल्सो कम टू द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. सो ए से जेड तक आपने काफी मेहनत से याद किया होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फाबेट. अल्फाबेट राइट. और व्हेन वी कंबाइन टू अल्फाबेट लाइक जैसे हमने नंबर में कोई भी रेंडमली दो नंबर को कंबाइन कर दिया जैसे 2 5 2 6 कोई भी. बट यहाँ पे हम दो नंबर को कंबाइन नहीं करेंगे. लाइक अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक अल्फाबेट ए सेकेंड इज डी एंड थर्ड इज डी मीन्स एड मीन्स एडिशन. तो यहाँ पे क्या ए बन गया. ये एक वर्ड है राइट. तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में देखते हैं 0 to 9 जिसे आप डिजिट बोलते हो. 0 to 9 जिसे आप डिजिट बोलते हो. एंड व्हेन यू कंबाइन टू डिजिट देन इट इज कॉल्ड एज नंबर. ओके. सो एंड इसे आप इंग्लिश अल्फाबेट की मदद से भी समझ सकते हो. ए बी सी डी टू जेड इज कॉल्ड एज अल्फाबेट. एंड व्हेन सम अल्फाबेट कंबाइन दे फॉर्म्स द वर्ड राइट. ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोला. ओके. कि ऐसा होता है. सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल. पहले के समय में क्या होता था कि लोगों के पास नंबर नहीं थे राइट. आपने जनरल नॉलेज की बुक में पढ़ा होगा कि शून्य का आविष्कार किसने किया. इंडिया ने किया राइट. इंडिया में ये किसने ऐसा काम किसने किया. आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट राइट. इन्होंने वर्ल्ड को क्या दिया. जीरो दिया. ओके. यस. तो पहले के टाइम में क्या होता था. फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर के पास इफ एक फार्मर के पास 5 बफेलो है राइट. एक फार्मर है. फार्मर के पास 5 बफेलो है राइट. उन्हें काउंटिंग तो आती नहीं थी. 1 2 3 4 उन्हें आती नहीं थी राइट. तो वो क्या करते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बफेलो का रहने का जगह है. तो 5 बफेलो है. सबका मैं नाम देता हूं. फर्स्ट बफेलो इज B1 सेकेंड बफेलो इज B2 थर्ड इज B3 फोर्थ इज B4 एंड फिफ्थ इज B5. ये 5 बफेलो है. अ फार्मर हैव 5 बफेलो. ओके. तो आपने कभी बफेलो देखा होगा कभी गांव वगैरह सब में. तो फार्मर क्या करते हैं उन्हें बांध करके रखते हैं राइट. एक लकड़ी का रहता है जिसमें वो उन्हें बांध करके रखते हैं राइट. उन्हें वो बांध करके रखते हैं. तो वो फार्मर क्या करते थे यहाँ पे 1 बफेलो के लिए सपोज B1 बफेलो यहाँ पे रहती है. B2 यहाँ पे है. B3 बफेलो टाइड ओवर हेयर. B4 इज टाइड ओवर हेयर एंड B5 को यहाँ पे बांधा गया है राइट. सो लेट अस सपोज एक दिन ये फार्मर बफेलो को ग्रेस करने के लिए ले गए और ये B5 क्या हो गया. ये छूट गया कहीं पे उधर ही एग्रीकल्चर फील्ड में ही रह गया भटक गया राइट. सो शाम में जब ये आया
और ये सभी बफेलो को अलग अलग जगह पे जब इन्होंने बांधा तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ये वाली जो बफेलो थी वो बफेलो क्या है, गायब है, राइट। ये बफेलो क्या है, गायब है, राइट। सो इस तरीके से पुराने समय में काउंटिंग होती थी, राइट। काउंटिंग ये कब कब की बात है, ये ओल्ड टाइम्स की है जब गिनती नहीं आती थी। तो अभी तक मैंने जो बताया क्या आप समझ पाए क्या? इफ यू अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी डॉट और क्वेरी यू कैन आस्क। ओके यस। अगर किसी को कुछ सवाल पूछने होंगे देन आपको अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करना होगा, मैं आपका माइक ऑन करूंगा, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। चूंकि अभी ये क्लास हमारी स्टार्ट हुई है सो अभी हम आपका माइक को अनम्यूट पे रखते हैं, राइट। ओके सो किसी को कुछ पूछना नहीं है बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस कंपेयरिंग द नंबर्स, राइट। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं कंपेयरिंग द नंबर्स, नंबर की कंपेयर करना। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्लास फिफ्थ में जब आप थे, When you were in class 5, you get 82% marks, okay. And in class 6 में जब आप आए तो आपका पहला एग्जाम हुआ तो आपको क्या मिला, 90%, ओके। 82% में आपके मार्क्स थे 82 और ये 90। ये किसकी मार्क्स है, मैथ सब्जेक्ट की, राइट। सो आप आसानी से बता सकते हो कि इन क्लास 6 वी गेट मोर मार्क एज कंपेयर टू क्लास 5, ओके। क्लास 5 से आपने 8 नंबर, मीन्स यहाँ पे 82 + 8 इज इक्वल टू 90, मीन्स यू गेट 8 मोर मार्क्स इन क्लास 6, ओके। सो यहाँ पे हम कंपेयरिंग द नंबर पढ़ेंगे। सो एक मैं आपसे पूछता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज 396, 4873, 9498, 03347। सो टेल मी द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे आप मुझे ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे कौन सी नंबर ग्रेटेस्ट है यू हैव टू टेल। 396, 4873, 9498 एंड 03347 ग्रेटेस्ट नंबर हम उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी होती है, और लार्जेस्ट नंबर बोल सकते हो, लोएस्ट नंबर हम उसे कहते हैं जो नंबर सबसे छोटी होती है, राइट। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर आया 9498। सो वेरी गुड, 9498 इज द हाईएस्ट, मीन्स ये लार्जेस्ट है। क्यों लार्जेस्ट है, क्योंकि ये 9, इसे जब आप हम ब्रेक करना मैं आपको सिखाऊंगा तो ये क्या होगी, 9000 + 400 + 90 + 8, राइट। अगर मैं, हाँ
और यहाँ पे आप बताए कि सबसे छोटी नंबर कौन सी है आउट ऑफ दिस 4, 3, 9, 6, 4, 8, 7, 3, 9, 4, 9, 8 and 0, 3, 3, 4, 7. Which one is the smallest? So there is three answer in the chat box, 3, 9 and 6. Very good. And if we put a zero before the 3, 9, 6, अब मैंने क्या किया, 3, 9, 6 के पहले एक जीरो यहाँ पे डाल दिया. आई पुट अ जीरो बिफोर 3, 9, 6, देन टेल द स्मॉलेस्ट नंबर. अब आप बताइए कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है. द फर्स्ट आंसर इन द चैट बॉक्स इज 0, 3, 9, 6. सेकेंड इज ऑल्सो 0, 3, 9, 6. वेरी गुड. ओके, सो अगर आप कोई भी नंबर के पहले जीरो ऐड करते हो तो वहां पे नो चेंज होती है. ओके, इफ वी ऐड जीरो जीरो बिफोर अ नंबर, बिफोर अ नंबर, देन देयर विल बी नो चेंज. उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगी, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज असेंडिंग एंड व्हाट इज डिसेंडिंग, राइट? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. असेंडिंग को मैं पहले लिखता हूं, स्मॉलर टू लार्जर. एंड डिसेंडिंग इज व्हाट? लार्जर टू स्मॉलर, राइट? ये क्या स्मॉलर टू लार्जर है और लार्जर टू स्मॉलर है, ये अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस सपोज के आपके रोप पे चढ़ने के लिए सीढ़ी है. दिस इज अ लैडर. ओके, ये क्या है? लैडर. जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, राइट? नीचे से जब आप ऊपर जाओगे मीन्स स्मॉलर टू लार्जर, देन इट इज असेंडिंग. ओके, और जब आप ऊपर से नीचे आओगे देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग, राइट? वेरी गुड. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. 3, 8, 6, 4, 3, 8, 6, 4, 2, 8, 4, 7, 9, 4, 3, 8, राइट? सो अरेंज दिस वन इन असेंडिंग ऑर्डर. इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए. सो व्हाट यू विल डू, क्योंकि अभी आप करोगे तो देन यू हैव अ टाइप अ लिटिल बिट मोर इन द चैट बॉक्स. सो आई एम टेलिंग द आंसर. मुझे मालूम है कि आप लोग बता दोगे बिकॉज यू नो. ओके, तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस चैप्टर्स में भी आपको यह बताया जाएगा. यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, 100 एंड 1000. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि विच वन इज द लार्जेस्ट, देन यू विल सिंपली टोल्ड 9, 4, 3, 8 इज द लार्जेस्ट, राइट? एंड विच वन इज स्मॉलेस्ट, 2, 8, 4, 7 इज द स्मॉलेस्ट. बट ये कैसे होता है, राइट? ये कैसे होता है, क्यों होता है? दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? अगले क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. अभी तक मैंने जो बताया होगा आपको, प्रोबेबली यू नो दिस थिंग्स अर्लियर, पहले से ही आप ये सारी चीजें जानते होंगे. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस. जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं 1/2, 3/5, 7/4, इससे आप इसमें बताओ कि विच वन इज द लार्जेस्ट, विच वन इज द स्मॉलेस्ट एंड
also arrange this one in ascending order and descending order. So probably you may get confused or it may take time. Okay, so we will learn these things in the next class. So it is 6:42, so I am going to start the topic of class 7. As I told earlier that the topic of class 5 is number, the topic of class 6 is also number, and topic of class 7 is integer, right? So ab hum dekhte hain ki number se integer kaise aaya. Okay, I request to the student of class 5 and 6 also to pay the attention on the topic. Class 5 or 6 ke bhi student is topic pe aap attention dijiye. So the topic is integer. Okay, topic is integer. So what is integer? Integer hum kehte kise hain? Okay, yes, so isse pehle aapne yeh dekha hoga, sorry, integer. Okay, the topic is integer. Abhi hum dekhte hain ki jitni bhi number hoti hai, let us take a number line, let us take a number line, right? Ye kya hai, number line hai. Okay, the group of natural number, whole number and negative number is called integer. Very good, very good. Okay, so yahan pe aap abhi kahan par ho, let us suppose, yes, ab aap yahan pe Mumbai mein ho. Okay, this is Mumbai aur ye kya hai, this is Pune and this is Bhopal. Okay, to aap yahan pe kya sochoge ki agar main 120 kilometer, agar main aap ek gaadi se abhi is direction mein ja rahe ho, right? So if you go 120 kilometer, then you will reach Pune, right? And similarly, if you go minus 500 kilometer, then you will reach to Bhopal. Okay, but distance yahan pe plus or minus kya batai gayi hai? Plus ka matlab jo ki aapki gaari is direction mein ja rahi hai, that's why it is considered as plus. और आपकी गाड़ी को अब पीछे जाने के लिए क्या करना होगा, ये टर्न लेना पड़ेगा, राइट? सो ये चूंकि बैक में है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव. और आप यहाँ पे मुंबई में है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, जीरो कंसीडर कर रहे हैं, राइट? मींस व्हेन यू ट्रेवल जीरो प्लस 120 किलोमीटर, देन यू विल रीच पुणे. चूंकि आप भोपाल से मुंबई आ गए हो, फिर आपको वापस जाने के लिए यू हैव टू ट्रेवल 500 किलोमीटर बैक, सो दैट यू कैन रीच टू भोपाल. ओके, सो अभी हम इसे भूल जाते हैं. ओके, अब हम एक दूसरा नंबर लाइन लेते हैं. ओके, हाँ, थोड़ा सा मैं ठीक कर दिया नंबर लाइन को, सो दैट यू कैन सी this clearly. So this is a number line. Number line पे मैं कहीं यहाँ पे zero लिया, zero के बाद आप one count करते हो, one के बाद two, ऐसे ही three. और फिर zero से जब हम back में जाते हैं, तो ये क्या आती है, negative, minus two, minus three. Okay. So ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये number है. Right, these are number. तो number का अभी हम classification अभी हम देखने वाले हैं. We will see the classification of number. Number को हम पहले क्या number को हम divide करते हैं, integer,
or fraction, right? Number can be divided as integer and fraction. So what is fraction? Suppose ये क्या है, 0 to 1. ओके, लेट अस सपोज एक टॉफी है और आप दो भाई बहन हो, राइट? और दोनों को ये टॉफी खाना है, तो आधा आप लोगे और आधा अपने भाई को दोगे, राइट? मींस हाफ एंड हाफ. तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन. वी विल डिस्कस फ्रैक्शन लेटर इन वेरी डिटेल्स. और भी जो भी नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4, -1, 0, टू द इंफिनिटी, मीन्स अनंत तक, इनफाइनाइट तक, इधर भी माइनस इंफिनिटी. ओके, जो भी हम काउंट करते हैं उसकी, वो मीन्स अंत तक वो जाते जाता है, राइट? सो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर. इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर. सो फॉर नाउ यू हैव टू फॉरगेट व्हाट इज फ्रैक्शन. अभी आपको भूल जाना है कि फ्रैक्शन क्या है. अभी हम इंटीजर को आगे क्लासीफाई करते हैं. इंटीजर कैन बी क्लासीफाइड एज निगेटिव नंबर. निगेटिव को माइनस भी मैंने लिखा है, फिर 0 और फिर पॉजिटिव नंबर. प्लस भी का मतलब मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ. NO डॉट मीन्स नंबर. और पॉजिटिव नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर. पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, राइट? पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड एज, मतलब पॉजिटिव इंटीजर. चूंकि ये इंटीजर से आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव के बाद हम क्या लगाएंगे, इंटीजर, राइट? यहाँ पे नंबर लिखना, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव इंटीजर, राइट? सो इंटीजर कैन बी क्लासिफाइड सर अ डॉट इन अ नंबर इफ देयर इज माइनस सिंबल, -3. हाँ, मैं बताता हूँ, आपका डॉट में क्लियर करता हूँ. वेरी गुड. पहले हम ये टेबल को समझ लेते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन. यस, सो हमने लिया नंबर. नंबर में कोई भी चीज आ सकती है, -1, 1.5, ओके, 100, 2000, कुछ भी. ओके, इससे और भी लार्ज क्लासिफिकेशन हम क्लास 8 में पढ़ेंगे. फिर इससे भी मीन्स, जैसे आप रेशनल नंबर पढ़ोगे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर. ओके, दिस टॉपिक विल कम अप टू क्लास 11. क्लास 11 तक ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. ओके, सो नंबर को हमने डिवाइड किया इंटीजर में और फ्रैक्शन में. इंटीजर को हमने डिवाइड किया नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर का मतलब यहाँ से पहले, ये 0 से जो पहले होती है, ये क्या हो गई, नेगेटिव इंटीजर. ओके, फिर यहाँ पे 0, दिस इज 0, एंड 0 के बाद जो भी नंबर आएगी, दैट इज पॉजिटिव नंबर, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ओड नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर. ओके, सो दिस इज, सिंस दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो ये टेबल आप लोग समझ पाए क्या? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टेबल, देन टाइप येस इन द चैट बॉक्स. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देन प्लीज टाइप योर नेम सो दैट आई कैन अनम्यूट यू. ओके, वेरी गुड. यस, सो यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन में बता देता हूँ कि सर अ डॉट इन अ नंबर इफ देयर इज अ, सो लेट अस सपोज आपके पास यू हैव 5 rupees. ओके, यू हैव 5 rupees. ओके, आपके पास कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं, राइट?
एंड यू वॉन्ट टू परचेज अ पेन, यू वॉन्ट टू परचेज अ पेन ऑफ रुपीज 20, राइट। सो हाउ मच मोर मनी यू विल नीड? आपके पास 5 रुपए हैं और 20 रुपीज का पेन परचेज करने चाहते हो, तो यू नीड, यू रिक्वायर 15 रुपीज मोर। ओके, ये आपके पास ₹5 है। अभी आप क्या, ये 5 रुपए आपके पास है आइसक्रीम खाने के लिए था, बट आपको एक पेन पसंद आ गया, तो आप सोच रहे हो कि ये पेन में 20 रुपीज का परचेज कर लूं। ओके, सो आपने क्या किया, आपने एक फ्रेंड को बोला कि तुम मुझे ₹15 दे दो, सो डैट मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 20 रुपीज, एंड आई विल बाय दिस पेन। ओके, तो आपने अपने फ्रेंड से क्या लिया, 15 रुपीज रुपए लिया और आप ये पेन परचेज कर लिए। तो अभी आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास तो 0 तो हो ही गया, राइट। उसके बाद ये -15 मीन्स ये आपने 15 रुपीज लोन के तौर पे लिया। ओके, लोन के तौर पे आप लिया मीन्स आपके पास अभी मीन्स आप -15 में हो। जब आपके पेरेंट्स जब 15 रुपीज देंगे, तो आप क्या करोगे, तुरंत वो 15 रुपीज अपने फ्रेंड को दे दोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव। ओके, सो वो आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। सो इट इज 6:53। विद दिस नोट आई एम गोइंग टू रैप अप टूडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड टूडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फ्रॉम द टॉपिक दैट मीन्स आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, उसके बाद की जो टॉपिक होगी वो हम पढ़ेंगे। क्लास 5 के लिए आई विल टेक सम अनदर एग्जाम्पल, क्लास 6 के लिए हम पढ़ेंगे एसेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, और भी बहुत सारी क्लास 6 में है, जैसे रोमन में कैसे लिखा जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप वन लैख को मिलियन में कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके, एंड इन क्लास 7 में हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन के बारे में, मीन्स वी विल लर्न अबाउट इंटीजर, हाउ वी विल एड इंटीजर, हाउ वी कैन सब्सट्रैक्ट द इंटीजर। ओके, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मेथड जो कि क्लास 5 में भी है, क्लास 7 में भी है, राइट। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फर्दर। सो वेरी गुड, 1 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव यस, क्लास इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क, वी हैव स्टिल 4 मिनट लेफ्ट, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड वी विल सून शेयर द लिंक ऑफ रिकॉर्डेड क्लास इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। ओके, जो भी क्लासेस हमारी होती है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है और उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाला जाता है, जो लिंक आपके ग्रुप में डाला जाएगा, राइट। सो यू कैन वॉच दिस वीडियोस अगेन ऑन यूट्यूब फॉर द रिविजन पर्पस, राइट।
Please leave the class. It is 6:57. We will meet in next class with the same topic. Thank you.